विजय दादा, आज आपने पत्रकार परिषद ली है, क्या मसला है? और पहले भी आपने एक बार पत्रकार परिषद ली है, उसके बाद वो पत्रकार परिषद होने के बाद आपने एक वीडियो जारी किया था कि मांडोली हो गई है आपकी सबिया हुसैन से, पर आज एक पत्रकार परिषद लेने की क्या वजह है? देखो, मुझे समाज में बदनाम किया जा रहा है और मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। मुंब्रा में पत्रकार के नाम से ये लोग एक धब्बा है, शबिया हुसैन जो पत्रकार है, एक धब्बा है। मुझे ही नहीं और मेरे जैसे कई लोगों को उन्होंने उनके हस्बैंड और उन्होंने ब्लैकमेल किया है, और ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। इसमें कानूनी कार्यवाही में कार्रवाई करूँगा उन पे। और मीडिया में दौरे में सब आवाम को बताना चाहता हूँ कि ये पत्रकारों से, मुंब्रा वासियों, दिवा वासियों, कलवा वासियों, इनसे बच के रहिए। ये ब्लैकमेलर है, ये पत्रकार नहीं है, ये ब्लैकमेलर है, ओनली वन ब्लैकमेलर है। मुझे इन्होंने दो बार ब्लैकमेल करने की कोशिश की, पर एक बार ब्लैकमेल कर लिया एक बार ब्लैकमेल, वापस दूसरी बार और मुझे ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं, पर मैं अभी ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, कायदेशीर कार्रवाई करूँगा, मानहानि का भी दावा उन पर करूँगा। सोशल मीडिया द्वारे मेरी नाहक बदनामी ये लोग कर रहे हैं। अगर कोई पत्रकार आपकी खबर चलाता है तो आप उस पर आरोप लगा रहे हैं कि वो आपसे पैसे की डिमांड कर रहा है, तो उन्होंने एक वीडियो में बताया भी है कि अगर उन्होंने पैसा मांगा है तो उसका सबूत दो, तो आपके पास कोई सबूत है लेन देन का, कोई ऐसी कोई जरिया है कि आप साबित कर सकते हैं उन्होंने आपसे खंडनी मांगा है? उन्होंने जो खंडनी मांगा है वो ना, हाँ, मेरे पास मेरे गूगल से फोन पे से पैसा गया है, ये 20,000 का एक ट्रांजेक्शन है और एक 20,000 का ट्रांजेक्शन है। ये नाज गोलंदाज दीदी जो थी उनके घर पे हमें बुला के ये मैटर सॉल्व करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी जो न्यूज़ चला रहे हम उसको डिलीट कर देंगे, जो हमारा मोबाइल आपने तोड़ा है। बाकायदा मैं उनका मोबाइल तोड़ा नहीं था, सिर्फ मेरा वीडियो निकाल रहे थे, इसलिए मोबाइल में उनसे हाथ से लेकर उनके हाथ में दिया। और वहाँ पर उसने ऐसा बात किया शबिया हुसैन ने कि आप हमारे भाई हो, मैं तुम्हारी बहन हूँ, तो हमने भी उससे माफ़ी मांगा। हमारी बहन है, एक लेडीज़ है, लेडीज़ का सम्मान करना चाहिए जग में। तो उन्होंने हमें माफ़ी मांगा, हमने उससे माफ़ी मांगा। माफ़ी मांगने के बाद नाज गोलंदाज जो है बिहार पुलिस स्टेशन में उनको कोई उठा के लेके गए, कुछ प्रॉब्लम उनका घर कुछ मसला है, वो जाने के बाद इसको पर फूट गया कि बाबा नाज गई, अभी आप उन खुला हो गए, उनसे भी पैसा लेके मैं उनको 50 बाकायदा 10,000 रुपये कैश और 40,000 रुपये मैंने ट्रांसफ़र किया, वो मेरे पास सबूत भी है। उन्होंने पैसा लेके अभी और पैसे की मेरे को मांग कर रहे हैं, मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मुझे समाज में बदनाम करने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं, ब्लैकमेलर पत्रकार। किस लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं? मतलब आप क्या चीज़ ऐसा काम करते हो जो आपसे पैसे मांगने की मांग नहीं कर रहे हैं? वो ठाकुर पाड़े में दो रूम का काम चालू था, मेरे दोस्त का है, अपना हमारा भी है, दोस्त का भी रूम का काम चालू है। उधर सिर्फ दो रूम बना रहे थे, दो रूम के उधर आने के बाद वो वीडियो उन्होंने बनाया है, वीडियो ब्लैकमेल कर रहे थे, भाई तुम्हारा अनलीगल काम है, अनाधिकृत काम है, हमको कुछ पैकेट चाहिए, हम पत्रकार है, नहीं तो फिर हम कार्रवाई करेंगे, वीडियो डालेंगे, ऐसे वहाँ पे मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। विजय भाई, जिस रूम की अभी तुम बात कर रहे हो ठाकुरबाड़ा में, तो वहाँ पर एक रिहान करके व्यक्ति है जिन्होंने अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग में बताया था कि आपको 2 लाख रुपए दिए, आज आपके ऑफिस में मौजूद है, तो हम उनसे बात करेंगे वो किस वजह से वो वीडियो वायरल की गई थी, आप पे जो आरोप लगाया था वो सही था और उसके बाद वो डिलीट भी किया उनके पेज से, अब उसी को पेज को लेकर वो लोग वीडियो वायरल कर रहे, तो उस पर हम ध्यान से भी बात करेंगे और आज आपके ऑफिस में भी मौजूद है वो, तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे वो वीडियो के बारे में? वो रेहान कैसा एक नादान है, वो उसने चलो वीडियो बनाया मेरे, उससे पहले उसको तलोजा में कई लोगों ने, कंपनी वाले ने उसको मारपीट किया था, ताकि उसके भी अफवाह कि मैं उसने किसी की सुपारी ली है, इसी जानबूझ के उसका भी नाम खराब किया उसने, बहुत वो हैरेसमेंट हुआ था बहुत, तो उसके लिए उसको यहाँ पे आने के बाद और उसको चढ़ाने के बाद उससे वीडियो बनाया उन्होंने, उसको नशा करके उसने वीडियो सब बनाया, वहाँ जाके वीडियो बनाया, और उससे ये मैटर से कुछ लेना देना भी नहीं है, ये मैटर से रेहान का कुछ लेना देना भी नहीं है, और उसकी जो पैसे का जो हमारी व्यवहार था वो एक अलग व्यवहार था, 2 लाख का व्यवहार था ही नहीं, उससे बुलवाया गया था व्यवहार, 1 लाख रुपए का व्यवहार था, 1 लाख रुपए में से उसको थोड़े बहुत पैसे दिए गए हैं, थोड़े बहुत बाकी है, वो भी व्यवहार क्लियर हो जाएगा, और उसको बीच में घसीट के उसके कंधे पे बंदूक रख के ये मेरी बदनामी कर रहे हैं। उसने भी बोला था कि मुझे बिना पूछे तुम वीडियो कैसे चला रहे हैं, उन्होंने उस पर कंप्लेंट भी किया था।
अभी एक पुलिस महानगर में आपकी एक नई वीडियो चल रही है जिसमें वो एक रूम वाली लेडी से वो आपको 80,000 रुपए का दावा कर रही है, आपने उनको 80,000 में रूम बेचा है, तो उसमें कितनी सच्चाई है? अगर वो 80,000 में रूम बेचा है तो आपने वहाँ पे कब्जा करके रूम बेचा है? देखो, नोटरी एग्रीमेंट भी दिखाया है आपको, होते हैं, बहुत सारे होते हैं, उसके पीछे देखो ना कम से कम 30-35 झोपड़े बिठाए हैं, उनका क्यों नहीं पूछे उन्होंने? सब, मैं एक समाज सेवक हूँ, समाज की सेवा है मेरा धर्म है, और मैं जाति धर्म आज तक कभी किसी से किया नहीं, अभी सब मेरे मुस्लिम भाई रहते उधर, उनको जाके ठाकुरपाड़ा में पूछ सकते हो कि विजय गोरे ने तुम्हारे से कितना पैसा लिया? आज 2 साल हुआ, 2 साल तक वो फ्री में वो जगह पे रह रहे हैं, वो उनकी इतनी भी ये नहीं है हैसियत कि वो कई रूम 1,000 रुपये महीने का भाड़ा भी भर सकते हैं। ऐसे लोग को अपन, मैंने सहारा दिया है, इसके लिए लोगों को क्या लगता है कि इतने झोपड़े बिठा है विजय गोरे उनसे पैसा लेता होगा? ये सब झूठ बात है, ये अफवाह है, ये दोनों जो ब्लैकमेल पत्रकार ये मुमरा पत्रकारों का भी नाम खराब कर रहे हैं। अभी उसमें बोले कि पत्रकार यूट्यूबर पत्रकार है, लिफाफे वाले पत्रकार है, अभी 20-30 पत्रकार है, 20-30 पत्रकार मेरे पत्रकार परिषद हुआ था बीच में, अभी 20-30 पत्रकारों को मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊँ? मेरे पास झाड़ तो नहीं लगा है, पत्रकार का काम है सच का झूठ का खुलासा। जो उनका आरोप था आपने पत्रकारों को पैसा दिया, वो बात सच है कि आपने पत्रकारों को पैसा देकर वीडियो चलाया था? देखो उनके पास सबूत है तो पूछ लो भाई, कैसे किधर पैसा दिया था? उसमें उन्होंने पत्रकारों का भी नाम खराब किया है, और सबको दरखास्त है मेरे मुमरा वालों को कि उस पे पत्रकार लोगों ने सब मिलके उस पे मानहानि का दावा तुम लोग सब पत्रकारों ने भी करना चाहिए। तो सब पत्रकारों को उसने क्या बोला है, ये सब पत्रकार यूट्यूबर लिफाफे वाले हैं। अभी कौन सा एक्शन लेने वाले हैं? आगे की रणनीति आपकी क्या है? देखो मैं कायदेशीर कार्रवाई उन पे करूंगा, मैं मेरे तरीके से मैं बोलूंगा नहीं, पहले करूंगा बाद में बोल के दिखाऊंगा, पहले बोल के मेरा वैसा नहीं, मैं करूंगा फिर बाद में उनको पता चलेगा कि क्या करने वाला है विजय गोरे। आपका एक ऑडियो वायरल हो रहा था काफी, और काफी चैनलों में दिखाया भी गया, आपने गाली गलौज से बात करते हुए विजय दादा को बात किया, तो उसमें कितनी सच्चाई है, कितने लाख रुपए का आपका व्यवहार था और कितने लाख रुपए आपको लेना है? दादा से मेरा 1,00,000 रुपए का व्यवहार था, वो हमारा अलग व्यवहार था, और मुझ पे तलोजा में मेरा कुछ पहले से झगड़ा हुआ था, तो डिप्रेशन में था, मुझ पे अटैक भी हुआ था एक बार, तो मैं अपने अलग टेंशन में था, तो यहाँ पे जब मैं ठाकुरपाड़ा में आया तो वहाँ पे लोगों ने मेरे को नशा वगैरह करा के, मेरे पास पैसा नहीं था, चोट भी लगी थी, तो मेरे को भाई तो पैसा ले ले जाके दादा को ऐसा बोल वैसा बोल, 2,00,000 रुपये एक का 2 लाख ले, 1 साल हो गया है व्यवहार को, तो डबल करके ले ये बोल के, ऐसा बोल के मेरे से बुलवाया गया, और मैं नशे में था, तो मैंने नशे में वो वीडियो बनाया, एक वीडियो बनाया, फिर गाली गलौज हुई फ़ोन पे मैंने किया, उसके बाद में फिर दादा से मेरी बात हुई, दादा ने मुझे बुलाया, बोले तेरा व्यवहार है जो भी है तेरा क्लियर करके ले, उसका तो टेंशन मत ले, तो मैंने दूसरे दिनों वीडियो डिलीट मार दिया, वो वीडियो को बाकी लोग बार बार डेली उसी वीडियो को रिवर्स में चला रहे। इसके कहने पे आपने वो वीडियो बनाया था, ठार गाड़ी चलाने की एक बात की थी आपने? हाँ, ठार गाड़ी चलाने की जो बात की थी तो मैंने ये स्टेटस पे देखा था, उस वक्त मेरे को चोट लगी थी, पैसा नहीं था मेरे जेब में, और मैं नशे में था, तो गुस्सा आएगा जिस पे पैसा बाकी रहेगा तो किसी को भी गुस्सा आता, तो मुझे गुस्सा आया था, तो इसलिए मैंने बोला कि ठार गाड़ी तुम खरीद रहे हो, मेरा व्यवहार क्यों नहीं कर रहे हो, उस हिसाब से मैंने बोला था। चला आपकी ऑडियो को वायरल करके क्या चाहते हैं वो लोग आप लोगों से कराना? अब वो तो कोई पॉलिटिक्स चल रहे हो, मेरा मेरे बिना पूछे लोग वीडियो चला क्यों रहे, मैं तो कमेंट में उनको बोलता भी हूँ कि मेरा वीडियो बिना पूछे रोज सुबह उठता हूँ तो एक नए चैनल पे मेरा वीडियो आ जाता है, तो वही पुराना वही रिवर्स में रिवर्स चला रहे हैं। उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे ये वायरल वीडियो को लेकर? मैं उन लोगों को ये बोल रहा हूँ कि क्यों चला रहे, जब मैंने डिलीट कर दिया आपने उसमें से, जब मैंने दूसरे दिन डिलीट कर दिया आपने अपने फेसबुक अकाउंट हर जगह से, तो फिर ये लोग को क्या हक बनता है मेरा रिवर्स में चलाने का? विजय भाई, अभी हमने रियान से बात किया, रियान ने जो बताया कि उनकी जो वीडियो आपको बदनाम करने के लिए वायरल की जा रही है, अब उन लोगों पर आप क्या कानूनी कार्रवाई करने वाले? फौजदारी गुना दाखिल करूंगा उन पे, और मानहानि का भी दावा करूंगा, और खंडनी का भी दावा करूंगा उन पे, जो जो है कायदेशीर कार्रवाई उन पे मैं करूँगा।